जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने उत्तर में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो खान सर द्वारा प्रीवियस ईयर का बुक निकाला गया है, जिसमें आपको 41 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का अभी तक हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट क्लियर कर लिया है, 13वां आज करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे सेशन में, क्योंकि ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का ध्यान करें और चयन और इंसर्ट करने के लिए आपने पीसी पर फोटो को खोजे। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश आपके द्वारा संग्रह की गई सामग्री के संग्रह होते हैं जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइब्रेरीज। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में पाठ्य के किसी भी गुण को बदलने के लिए इसे पहले डैश चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चयन किया जाना। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक वायरलाइन ट्रांसमिशन तकनीक है जो घरों और व्यवसायों के लिए पहले से स्थापित की गई प्रारंभिक तांबे की टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा प्रसारित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डीएसएल। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में डैश विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से हाशिया छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंडेंटेशन। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में आप दो से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। तो यह कथन क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कट कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब के डैश पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्लिक बोर्ड पे स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में डैश बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग सेलों की एक रेंज का नाम देने के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आप एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ संख्या किस प्रकार दर्ज करते हैं ताकि वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से कलेक्ट किया जा सके। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेज लेआउट टैब में पेज सेट अप डायलॉग बॉक्स के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर क्षेत्र में स्वचालित पृष्ठ संख्या दर्ज करने के लिए हेडर या फुटर टूल का उपयोग करके। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस विंडोज की ब्यूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेस्कटॉप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नया खाली एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट रूप से डैश स्लाइड के साथ खुलता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वन स्लाइड के साथ खुलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगिताओं को सूचना संसाधनों सेवाओं और अनुप्रयोग की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, होस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लॉटर। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंध शामिल है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेब ब्राउजर। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है इंडेंट कहा जाता है। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेटाबेस प्रबंधन। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में ऑटो फिल प्रविष्टियां डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर लंबाई
कर्ण या संख्याओं के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पासवर्ड डेथ होते हैं, तो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में एक अंतर्निहित शब्द कोर्स होता है जिसका उपयोग डैश फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम डैश व्यू में स्लाइड्स को हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टेड। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगिता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यह सूचियों, पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीजों का पूर्वनिर्धारित चित्र मैं एवं दृश्य प्रतिनिधित्व है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, असेंबलर। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डैश एक निर्दिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्लाइड मास्टर। इसका राइट आंसर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड्स, हैंड आउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एमएस पावर पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर डैश पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रीज पेन पर क्लिक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डैश फॉर्मेटिंग के पुनरावलोकन करने का एक अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फॉन्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई रूपांतरित करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश नामक ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फॉर्मेट। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरों को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में डिफॉल्ट रूप से पाठ्य प्रविष्टियां डैश संरेखित होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निचली बाईं ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एएलटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोटपैड में केवल डैश प्रारूप में पाठ्य बनाए एवं सहेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डैश डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड। इसका राइट आंसर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी डैश के समान होता है तो एडिट कॉपी के समान होता है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो डैश सभी सेल लॉक हो जाएगी। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, तो पूरे पृष्ठ को डिलीट करें। इसका राइट आंसर भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूं, मैं मौजूद वर्कबुक के शीट्स की सूची प्रदर्शित करता हूं, मैं कौन हूं, तो मैं शीट टैब हूं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेस ग्रुप में डैश पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट
सीट इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उपयोगकर्ताओं को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो यह एक HLL में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड एक डैश सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा चिन्ह एक ईमेल पते के दो भागों को अलग करता है, तो @, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल में आपको दो तरीकों अर्थात फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है, इसका राइट आंसर टूल बार, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, IP प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक डैश भी बना सकते हैं, तो envelop बना सकते हैं, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्यूटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान है, आपको दस्तावेज से चयनित पाठ्य को हटाने और अस्थायी रूप से ऑफिस क्लिक बोर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कट। अगला प्रश्न है कि विंडोज XP में एक्शन सेंटर एक डैश होता है, तो इसका राइट आंसर अधिसूचना होता है, इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कस्टम चार्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल के कंप्यूटर क्लब बाइटस एंड निबल्स के सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक अंतर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना और मुद्रित करना चाहते हैं, जिसमें आयोजनों और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया हो, इनमें से कौन सी ऑफिस तकनीक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेल मर्ज। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब आप एक नई खाली वर्कबुक खोलते हैं तो सेल स्तंभ और पंक्तियां डैश आकार में सेंट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अप्राप्त यानी डिफॉल्ट, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्प्रेड शीट में एक सूत्र में डॉलर चिन्ह शामिल है, उदाहरण के लिए = A1 * SB * $, $B $1। शीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि डॉलर चिन्ह गलती से जोड़ा गया है, इसलिए वह सूत्र से सभी डॉलर चिन्ह हटा देता है, फिर वह डैग करके पूरी रेंज में फॉर्मूला लागू कर देता है, इसका क्या प्रभाव होगा। चलिए ऑप्शन आगे और दिखाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉलर चिन्ह से में संदर्भों को निरपेक्ष संदर्भ के रूप में चिन्हित करता है, इन्हें हटाने पर सूत्र गलत मानों की गणना करेगा, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड पर डैश दबाए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, होम दबाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में इनमें से कौन सा वैध डाटा प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी, इमेज, इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस करें, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।